नमस्कार, मैं हूं सोनिका। तत्काल न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 दिसंबर को जारी एक आदेश के अनुसार मजदूरों को गहरे रंग और अजीब कढ़ाई पैटर्न या चित्रों के साथ कपड़े पहनने में परहेज करना है। महिलाओं को जरूरत पड़ने पर साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ता या कुर्ता या शर्ट और दुपट्टे के साथ पैंट पहनना अनिवार्य है। पुरुषों को पैंट और शर्ट पहनना चाहिए। कर्मचारियों को सप्ताह में एक बार खादी पहनने की सलाह दी गई है। महिला और पुरुषों को चप्पल की बजाय जूते पहनने चाहिए। यह पहली बार नहीं है कि किसी सरकार ने ड्रेस कोड लागू किया है। इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसके तहत राज्य के ग्वालियर संभाग के सरकारी अधिकारियों को कर्मचारियों को कार्यालय में फीकी जींस और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंधक लगा दिया गया था और उन्हें सम्मानजनक सभ्य और औपचारिक पोशाक पहनने के लिए कहा गया था। 2019 में बिहार सरकार द्वारा एक समान आदेश जारी किया गया, जिसने राज्य सचिवालय में जींस और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंधक लगा दिया था। भले ही कर्मचारियों की रैंक कुछ भी हो, इसके बजाय उन्हें कार्यालय में सरल, सुबर और हल्के रंग के पोशाक पहनने के लिए कहा गया था। वैसे ही 2018 में तत्कालीन राजस्थान सरकार छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड लेकर आई, जिसमें उन्हें वेस्टर्न आउटफिट के बजाय कॉलेज परिसर में सलवार कमीज या साड़ी पहनने के लिए कहा गया था। हालांकि छात्रों से बहुत सारी शिकायतें प्राप्त करने के बाद नियम को रद्द कर दिया गया। 2014 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक छाप पंचायत ने लड़कियों के लिए मोबाइल फोन और जींस पहनने पर प्रतिबंधक लगा दिया गया था। इस साल पंचायत ने पुरुषों को शॉर्ट पैंट में सार्वजनिक स्थानों पर जाने की सलाह दी, क्योंकि यह अरुचिकर है।